please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मध्य प्रदेश के उज्जैन में तेज हवा और बारिश की वजह से प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के लिए तैयार पंडाल गिर गया। प्रधानमंत्री मोदी वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तैयार 53 मकानों का उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही उज्जैन में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए तैयार पंडाल गिर गया, जिसकी वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग कार्यक्रम के लिए बने बैनर की आड़ लेकर खुद को बचाते दिखे। बारिश की वजह से कार्यक्रम वाली जगह पर पानी का तालाब नजर आने लगा। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई। बिहार के मैट्रिक आंसर शीट घोटाला मामले में एक और नया खुलासा हुआ है। गोपालगंज के एसएस बालिका इंटर कॉलेज से 42,500 मूल्यांकन की कॉपी गायब थी। उन कॉपी को कॉलेज के चपरासी छठू सिंह ने कबाड़े में बेच दिया। आरोप है कि चपरासी ने 8,500 रुपए में कॉपी बेची थी, जिसके बाद एसआईटी ने कबाड़ी चपरासी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ जांच चल रही है। हम लोग मोटिव पर हम लोग अभी भी बहुत खुल के नहीं बताएंगे। मोटिव अभी देख रहे हैं हम लोग कि इसके पीछे और कुछ लोग हैं, कोई और गहरी साजिश है या मात्र इसको पहले भी वहाँ से एसएस बालिका से पप्पू जो है सो किताबें और अन्य चीज़ें वहाँ से खरीदते आए हैं, वहाँ से लेते आए हैं, तो अगर उस मंशा से किया गया है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें और कोई मंशा है तो उसके भी अभी हम लोग आगे के अनुसंधान उस पर गहराई से अनुसंधान करते हैं। महाराष्ट्र के बुलढाणा में कुछ लोग एक मकान की छत पर चढ़कर वहां लगा एक बैंक का बोर्ड फाड़ने लगे। आरोप है कि इस बैंक के मैनेजर ने लोन मंजूर कराने के लिए किसान की पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने की मांग की, जिसकी जानकारी मिलने पर स्वाभिमानी किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने बैंक के बाहर जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे लोगों ने बैंक का बोर्ड फाड़कर फेंक दिया और बैंक की दीवार पर काले पोत दी। इसके बाद हंगामा कर रहे लोग बैंक के बाहर धरने पर बैठ गए और आरोपी मैनेजर को गिरफ्तार कर तुरंत बर्खास्त करने की मांग की। हंगामे की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया। आरोप है कि लोन के लिए अर्जी देते वक्त आरोपी बैंक मैनेजर राजेश हिवसे ने किसान की पत्नी का मोबाइल नंबर ले लिया और फिर उसे फोन कर लोन मंजूर करने के बदले शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपी मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा भी दिया। गुजरात के दलित नेता और निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी को जान से मारने की धमकी देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को बिहार के सीतामढ़ी से गिरफ्तार किया है, जिसका नाम राहुल पासवान बताया जा रहा है। धमकी देने वाले की गिरफ्तारी कॉल डिटेल के आधार पर की गई है। लंबे इंतजार के बाद दिल्ली मेट्रो की ग्रीन लाइन पर हरियाणा के बहादुरगढ़ तक मेट्रो सेवा शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी इस लाइन का उद्घाटन करेंगे, जो पहले दिल्ली से कीर्ति नगर से मुंडका के बीच चल रही थी। ग्रीन लाइन मेट्रो सेवा का विस्तार है। करीब 11.2 किलोमीटर लंबा ये रूट दिल्ली के मुंडका से हरियाणा के बहादुरगढ़ तक पहुंचता है। इस रूट पर कुल 7 स्टेशन है, जिसमें 4 दिल्ली और 3 हरियाणा की सीमा में आएंगे। इस लाइन के चालू होने के बाद बहादुरगढ़ से दिल्ली के कीर्ति नगर पहुंचने में सिर्फ 50 मिनट लगेंगे। हरियाणा बॉर्डर और पश्चिमी दिल्ली में रहने वाले लोगों को इस लाइन के शुरू होने का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में एक निर्माणाधीन बेसमेंट की दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। हरियाणा के फरीदाबाद में पूर्व पार्षद ने आरोप लगाया कि दहेज में 1 करोड़ रुपए और जगुआर कार की मांग पूरी नहीं करने की वजह से लड़के वालों ने उनकी छोटी बहन से शादी करने से इनकार कर बारात लाने से मना कर दिया। यूपी के वाराणसी में अपने बेटे के रिसेप्शन से एक दिन पहले कई शिकायतों के बाद भी पैतृक गांव की सड़क नहीं बनाए जाने से नाराज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने खुद फावड़ा लेकर सड़क बनानी शुरू कर दी। हिमाचल प्रदेश के मनाली और रोहतांग में 1 जुलाई से शुरू होने जा रही हेलीकॉप्टर टैक्सी का सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया। हरियाणा के पानीपत में एक 60 साल के आदमी की मौत की अस्पताल के डॉक्टरों से पुष्टि होने के कुछ ही घंटे बाद उनको दोबारा जिंदा होने की घटना से हर कोई हैरान हो गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड के विजेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी ली। ओडिशा के भद्रक में घर से सांप के 80 बच्चे निकलने का अजीबोगरीब मामला सामने आया।
यूपी के वाराणसी में भीषण गर्मी से राहत के लिए बारिश का इंतजार कर रहे लोगों ने इंद्र देवता को खुश करने के लिए मेंढक और मेंढकी की शादी कराई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 28 जून से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा बल ने आतंकी हमले के अंदेश को देखते हुए गरनई के जंगलों में ड्रोन कैमरे के साथ मॉक ड्रिल की। यूपी के लखनऊ में पासपोर्ट विवाद के मामले की सही तरीके से जांच की मांग को लेकर शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर रणल सिंह ने राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में अभिनेता वरुण धवन ने अपने फैंस से मुलाकात कर उनके साथ डांस किया। हॉलैंड में खेले जा रहे चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से हरा दिया। फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जी के एक मैच में बेल्जियम ने ट्यूनेशिया को 5-2 से बुरी तरह हरा दिया। फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एफ के एक रोमांचक मैच में जर्मनी ने स्वीडन को 2-1 से हरा दिया। फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एफ के एक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 2-0 से हरा दिया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जम्मू की रैली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने गुलाम नबी आजाद के बयान को लश्कर का समर्थन मिलने पर राहुल गांधी से जवाब मांगा। अब मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस अध्यक्ष जी को, श्रीमान राहुल गांधी जी को, कि आपके विपक्ष के नेता के बयान को लश्कर ए तोयबा समर्थन कर रहा है। 21 प्रकार का फ्रीक्वेंसी मैचिंग लश्कर ए तोयबा और कांग्रेस के बीच में है, देश की जनता को जरा आप बता दीजिए। इसके बाद अमित शाह ने सैफुद्दीन सोज और गुलाम नबी आजाद पर कार्रवाई की मांग की। ये बयान दे देते हैं कि मैं मुशर्रफ से सहमत हूं कि आप कश्मीर आजाद होना चाहिए। सैफुद्दीन सोज साहब, आप 100 जन्म भी ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को कभी कश्मीर को भारत से अलग नहीं होने दूंगी। सपने देखना बंद करिए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट में लिखा, पिछले 4 साल में अपने अनैतिक गठबंधन से जम्मू कश्मीर को गहरे संकट में डालने, सीमा पर अशांति की स्थिति पैदा करने, भ्रष्टाचार, कुशासन और झूठे वादों के बाद अब अमित शाह जम्मू के लोगों के सामने घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। वही एमआईएम नेता असुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी पर कश्मीर के माहौल को खराब करने का आरोप लगाया। तो बीजेपी इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूथ इन कश्मीर पिकिंग अप आर्म्स। यू हैव हायर नंबर ऑफ सिक्योरिटी पीपल बीइंग किल्ड इन कश्मीर, यू हैव हायर नंबर ऑफ आर्मी कैंप्स बीइंग अटैक्ड। सो यस, बीजेपी इज इक्वली टू बी ब्लेम्ड एंड अमित शाह एंड हिज पार्टी मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी।